हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 के 7 से लेकर 12th पार्ट तक सोल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड, और सेवेंथ पार्ट में हमें गिवन है 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हमें 3.62 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। हम आपको ये क्वेश्चंस दो मेथड से करके दिखाएंगे स्टूडेंट्स, इसमें से जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे, तो जब ये डेसिमल हम यहां से हटाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 362 और अपॉन में 100 आ जाएगा। ये 100 कैसे आया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। जब हम राइट से चेक करेंगे तो यहां पर दो डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब राइट से दो डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, और ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आया और ये 100 भी एज इट इज आ गया। अब ये 100 जो न्यूमरेटर में है और ये 100 जो डिनोमिनेटर में है, ये आपस में कट जाएंगे। तो देखिए 100 वन द 100 एंड 100 वन द 100। अब यहां पर न्यूमरेटर में बचा 362 और यहां पर न्यूमरेटर में बचा 1। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो जब हम 362 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें मिलेगा 362। यहां डिनोमिनेटर में 1 है, यहां 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहां भी 1 ही है, तो 1 इंटू 1 तो 1 होता है। तो यहां अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपॉन में हम 1 शो नहीं करते हैं। तो जब हमने 3.62 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमें आंसर मिला है 362। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया गया स्टूडेंट्स 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी हम डेसिमल वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल दो डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये 362 तो यहां पर हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये डेसिमल यहां पर था तो यहां से ये दो डिजिट राइट की तरफ यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी लास्ट में। और लास्ट में हम डेसिमल लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 3.62 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमें आंसर मिल गया है 362। अब देखिए दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आया है। अब हम एट्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। एट्थ पार्ट में हमें दिया गया है 43.07 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे, तो जब ये डेसिमल हम यहां से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 4307 और अपॉन में 100 आ जाएगा। ये 100 क्यों आया स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर राइट से चेक करें तो दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो जब दो डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया और ये 100 भी एज इट इज आ गया। अब ये 100 और ये 100 आपस में कट जाएंगे। देखिए 100 वन द 100 एंड 100 वन द 100। अब हमें क्या मिलेगा 4307। तो जब हमने 43.07 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारा आंसर आ गया है 4307। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे। तो हमें दिया गया है 43.07 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी हम डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो ये डेसिमल दो डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये 4307 ये तो यहां पर हमने एज इट इज लिख दिया, और ये डेसिमल जो यहां पर था ये यहां से ये दो डिजिट क्रॉस करके यहां लास्ट में आ जाएगा, और लास्ट में डेसिमल लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 43.07 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारा आंसर आया 4307, यानी 4307। तो दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आ गया है। अब हम नाइन्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। नाइन्थ पार्ट में हमें दिया गया है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे, तो जब ये डेसिमल हम हटाएंगे तो हमें यहां पर न्यूमरेटर में 5 मिलेगा और अपॉन में 10 आ जाएगा। 10 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि अगर आप राइट से चेक करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आ जाता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया और ये 10 भी यहां पर एज इट इज आ गया। अब ये 10 और ये 10 आपस में कट जाएंगे। देखिए 10 वन द 10 एंड 10 वन द 10।
अब यहां पर हमें मिलेगा 5, क्योंकि 5 × 1 तो 5 होता है, तो यहां पर 5 आ गया, और अपॉन में 1 है, तो अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 0.5 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमें आंसर मिला है 5। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया गया है 0.5 × 10, तो सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर एज इट इज लिख लिया है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेसिमल एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये 5 तो हमने एज इट इज लिखा, और ये डेसिमल जो पहले यहाँ पर था, ये यहाँ से एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ लास्ट में आ जाएगा। तो लास्ट में डेसिमल लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 0.5 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमें आंसर मिल गया है 5। तो दोनों ही मेथड से हमारा सेम आंसर आया है 5। अब हम 10th पार्ट को सोल्व करेंगे। 10th पार्ट में हमें दिया गया है 0.08 × 10। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 8। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेसिमल के बाद ये 0.8 है, तो यहाँ पर सिर्फ 8 क्यों लिखा, क्योंकि 8 से पहले अगर आप लेफ्ट में 0 लिख भी देते हैं, तो 0.8 और 8 एक ही बात होती है। तो न्यूमरेटर में तो 8 आ गया, और अपॉन में आएगा 100। ये 100 क्यों आया, क्योंकि अगर आप यहाँ पर राइट से चेक करें तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं, तो अपॉन में 100 आता है। ये मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आ गया, और ये 10 भी यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, तो हम इस जीरो को इस जीरो से काट देते हैं। अब देखिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 1, यहां न्यूमरेटर में 8 आ जाएगा, यहां डिनोमिनेटर में 10 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहां पर 1 है डिनोमिनेटर में, तो 10 × 1 10 होता है, तो यहां अपॉन में 10 आ गया। अब हमें मिल गया है 8/10। अब हम 8 को डिवाइड करेंगे 10 से। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 1 जीरो है, तो हम इस जीरो को यहां से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में 8 लिखा है, तो जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहां लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से 1 जीरो हटाते हैं, तो ये डेसिमल यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा। तो देखिए, हमने यहां पर क्या लिखा, 0.8। इस डेसिमल के लेफ्ट में हम ये जीरो लगा सकते हैं, इससे हमारे नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लिखने का सिर्फ एक तरीका है। तो जो डेसिमल यहां पर था, ये एक डिजिट लेफ्ट पे शिफ्ट होकर यहां पर आ गया। तो जब हमने 0.08 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमें आंसर मिला है 0.8। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया गया है 0.08 × 10। तो हमने सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेसिमल एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी डेसिमल यहां आ जाएगा। तो ये 0 और 8 हमने एज इट इज लिखा, और डेसिमल जो ये पहले यहां पर था, ये यहां से एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, यानी 0 और 8 के बीच में। तो जब हमने 0.08 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमें आंसर मिल गया है 0.8। तो दोनों ही मेथड से हमारा सेम आंसर आया है 0.8। अब हम 11th पार्ट को सोल्व करेंगे। 11th पार्ट में हमें दिया गया है 0.9 × 100। तो हमने सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे, और जब हम ये डेसिमल हटाएंगे, तो हमें न्यूमरेटर में 9 मिलेगा और अपॉन में 10 आ जाएगा। ये 10 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ राइट से चेक करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब एक डिजिट के बाद डेसिमल होती है और आप उस डेसिमल को हटाते हैं, तो अपॉन में 10 आता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया, और ये 100 भी यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब देखिए, 1 जीरो से ये 1 जीरो यहां पर कट जाएगी, तो अब यहां न्यूमरेटर में 9 है और यहां न्यूमरेटर में 10 है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 10 90 होता है, तो यहां पर 90 आ गया। अपॉन में सिर्फ 1 बचा है, तो अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 0.9 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमें आंसर मिल गया है 90। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे। तो हमें दिया गया है 0.9 × 100। तो हमने सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप डेसिमल वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेसिमल 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है।
तो ये 9 तो हमने यहां पर एज इट इज रखा। अब ये डेसिमल जो पहले यहां पर था, इसे दो डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो पहले इसने 9 को क्रॉस किया, 9 के आगे तो यहां पर कोई डिजिट नहीं है, तो यहां पर हम 0 लगाएंगे और डेसिमल को यहां से ये दो डिजिट क्रॉस करके यहां ले आएंगे, यानी कि लास्ट में। और यहां लास्ट में डेसिमल लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 0.9 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमें आंसर मिल गया है 90। दोनों ही मेथड से हमारा सेम आंसर आया है 90। अब हम 12th पार्ट को सोल्व करेंगे। 12th पार्ट में हमें दिया गया है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे, तो जब ये डेसिमल हम यहां से हटाएंगे तो यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा 3। देखिए डेसिमल के बाद है 03, तो ये 0 हमने यहां पर नहीं लिखा है लेफ्ट साइड में, क्योंकि 03 और 3 एक ही बात होती है। तो जब हमने ये डेसिमल हटाया तो न्यूमरेटर में 3 आ गया और अपॉन में 100 आ गया। अपॉन में 100 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि अगर आप राइट से चेक करें तो दो डिजिट्स के बाद यहां पर डेसिमल है। तो जब दो डिजिट्स के बाद डेसिमल हो और आप उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया और ये 1000 भी यहां पर एज इट इज आ गया। अब ये दो जीरो इन दो जीरो से यहां से कट जाएंगी। अब यहां न्यूमरेटर में 3 है और यहां न्यूमरेटर में 10 है। अब हम इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपको मिलेगा 30। अपॉन में सिर्फ 1 बचा है, तो अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 0.03 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो हमें आंसर मिल गया है 30। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे। तो हमें दिया गया है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप डेसिमल वाले नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 3 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये 03 तो हमने यहां पर एज इट इज रखा, ये डेसिमल पहले यहां पर था, तो इसने पहले 0 को क्रॉस किया, फिर 3 को क्रॉस किया। अब 3 के बाद तो यहां कोई डिजिट नहीं थी, और इस डेसिमल को 3 डिजिट क्रॉस कराना है राइट की तरफ, तो इस 3 के बाद हम ये 0 लगाएंगे और डेसिमल जो ये यहां पर था, अब ये इन 3 डिजिट को क्रॉस करके यहां लास्ट में आ जाएगा। और लास्ट में डेसिमल लगाए या ना लगाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 30, क्योंकि 30 से पहले लेफ्ट में जो ये जीरो है इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो जब हमने 0.03 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो हमारा आंसर आ गया है 30। तो दोनों ही मेथड से हमारा सेम आंसर आया है 30। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।